अभी शाम से लेके अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2,40,000 कमा लिया। Hey, welcome to my channel and those who are new, welcome to my channel. अच्छा जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं मेरी इस खूबसूरत सी रिंग का। और ये खूबसूरत सी रिंग मैंने खुद डिज़ाइन की थी, और मैंने जिसने ये रिंग बनाई थी उसको प्रॉपर पेपर पे ड्रॉ करके बताया था कि मुझे कैसी रिंग चाहिए। हाल तो थोड़ा बहुत उससे हो गया, बट रिंग बहुत अच्छी है, तो सुबह सुबह अक्सर मैं इसको देखता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है रिंग। और उसके बाद मैंने एक जी आज तहिया किया कि मैं करूँगा शॉपिंग, बट विंडो शॉपिंग ईद उल अदा की, तो देखें। पोलो शर्ट मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ, बट मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही। और वैसे मुझे लाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं, बट आजकल पता नहीं क्यों मुझे डार्क कलर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ग्रे तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट कलर है। अच्छा, उसके बाद जे डॉट गया और वहाँ से मैंने देखा कि कोई स्टिच चीज़ मिल जाए, और वहाँ से काफ़ी कुर्ते भी देखे, बट मेरी फिटिंग बिल्कुल ही नहीं आ रही थी मुझे, और उनको अल्टर करवाना पड़ रहा था, और कुछ ख़ास अच्छे डिज़ाइन भी नहीं थे, और जिन पे सेल लगी होती है वो मोस्टली वैसे भी इतने अच्छे नहीं होते, तो वहाँ से ऐसा सच कुछ पसंद नहीं आया। और फिर हमने कुछ परफ्यूम्स देखे, बॉडी स्प्रेज भी उनके पास ख़त्म हो चुके थे, तो लेकिन परफ्यूम भी पसंद नहीं आया, बट एक परफ्यूम ले लिया था, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। और वापसी पे फिर मैं शॉप पे आ गया। शॉप की रूटीन मैं आपको इसलिए नहीं दिखाता कि आपको रोज़ रोज़ एक ही चीज़ दिखाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। दोपहर को मुझे काम था पंजाब टाइल्स हाउस पे, मैं गया हूँ अदनान भाई के पास, क्योंकि जो वहाँ पर हमारा शोरूम बन रहा है पंजाब इलेक्ट्रॉनिक्स हायर स्टोर, उधर विज़िट करना था और उधर के कुछ मामला थे। तो आगे मैंने देखा तो माशाल्लाह से ये सब लोग इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे थे, लेकिन मतीन भाई को पता चल गया कि मैं उनके नवाले गिन रहा हूँ। अच्छा, साथ ही फिर फर्नीचर शॉप थी वहाँ पे, तो अदनान भाई ने कुछ अपने घर के लिए फर्नीचर लेना था, तो हम वो देखने चले गए, और बड़े प्यारे सोफ़ाज थे, और फाइनली हमें रेड कलर बड़ी पसंद आया और ये सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद जी मैं शाम को चला गया घर वापस। वापस गया तो खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं था, मुझे बाहर से आज कुछ खाना था, क्रेविंग हो रही थी फ़ास्ट फूड की, तो घर केक बना हुआ था तो केक लिया, थोड़ा सा लिया। भाभी बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हैं, बहुत अच्छे डिज़र्ट्स बनाती हैं, तो साथ एक कप चाय लिया, एंजॉय किया, फैमिली के साथ गपशप की। और उसके बाद जी अदनान भाई आ गए, और ये कोई क्रिप्टो करेंसी का सीन है जो मैं बिल्कुल अनअवेयर हूँ, और मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। यार भाई, क्रिप्टो का क्या सीन है, मुझे भी बताओ। ये बेटा दिल गुर्दे वालों का काम है, तेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, तो कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई, कितना दिल गुर्दा आपने इन्वेस्ट किया हुआ इस वक्त? जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो तकरीबन 55 लाख रुपये है। 55 लाख? यस। अच्छा, तो क्या मैं 55 लाख इन्वेस्ट नहीं कर सकता? आप अल्लाह ताला आपको करोड़ दे, आप करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, अभी शाम से लेके अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2,40,000 कमा लिए। 2,40,000? यस। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो फिर आप रिकमेंड करते हो? लेकिन पहले इसको सीखना चाहिए, 50,000-60,000 इन्वेस्ट करके 6 महीने सीखना चाहिए, उसके बाद बड़ी रकम इन्वेस्ट करनी चाहिए जब आपको इस चीज़ का सारा पता चल जाता है। अच्छा, रात को फ्रेंड से कांटेक्ट किया तो वो लोग बिज़ी थे, तो सोचा खुद अकेले ही डिनर कर ले। तो डिनर के साथ साथ यहाँ पे हम जिम खाना भी गए, वहाँ पे मैंने वीडियो क्लिप बनाया, बट उन्होंने मुझे मना कर दिया और वो मैं ऐड करना भी भूल गया। वहाँ से हम वापसी पे KFC आए। KFC लाइट बार बार जा रही थी और बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन मैकडोनल्ड्स खाने का बिल्कुल दिल नहीं था, तो यहीं पर वेट किया, तकरीबन 10-15 मिनट वेट करना पड़ा, और फाइनली हमें हमारा ऑर्डर मिल गया। अच्छा जी, डिनर करने के बाद हम लोग थोड़ी देर घूमते फिरते रहे, और फिर अदनान भाई ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया, और यहाँ तक का ही था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।